नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का यूज करना बताऊंगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बताए थे, तो आज मैं उन फार्मूलों का यूज करना बताऊंगी। तो आइए अब हम एक कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 तो कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉसिक थीटा को लिखते हैं 1/sin थीटा, तो यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा दिया है, तो ये हो जाएगा 1/sin² थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin² थीटा, 1/(1 - cos² थीटा। कॉस थीटा का मान दिया है 1/2, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे 1/(1 - 1/2) का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/(1 - 1/4), तो ये सॉल्व होके आ गया है 4/3। कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान हो गया 4/3। दूसरा एग्जांपल है, प्रूव दैट 1/(1 - sin A + 1/(1 + sin A) = 2 sec। लेफ्ट हैंड साइड लिया है 1/(1 - sin A + 1/(1 + sin A), इन दोनों का लासा लेंगे, तो ये 1 + sin A इधर आ जाएगा, 1 - sin A इधर आ जाएगा। एक साइन ए प्लस का, एक साइन ए माइनस का, दोनों कट जाएंगे। अब 1 + 1 = 2 बचेगा, 2/(1 - sin A + 1 + sin A), 2/(1 - sin A + 1 + sin A), ये हो जाएगा 1 - sin² A। तो साइन 1 - sin² A होता है cos² A, तो ये हो जाएगा 2/cos² A। अब cos A को लिखते हैं 1/sec A, तो ये हो जाएगा 2/(1 - sec² A, तो ये आंसर आ जाएगा sec² A, राइट हैंड साइड आ गया। अब तीसरा एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 * sec² θ - 1 = 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 * tan² θ = 1। लेफ्ट हैंड साइड लिया है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 * cosec² θ - 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 = cot² θ होता है, और sec² θ - 1 = tan² θ। अब लेफ्ट हैंड साइड लिया है cosec² θ - 1 को cot² θ लिखेंगे, sec² θ - 1 को लिखेंगे tan² θ। अब cot थीटा को लिखते हैं 1/tan θ, cot² θ * tan² θ को लिखेंगे 1/cot² θ। cot से cot कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा 1, राइट हैंड साइड। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।